साहस सरोकार। स्वागत है आपका प्राइम टीवी में, मैं हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र बीजेपी ने अपने 5 साल में 20 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा किया है, साथ ही और भी कई वादे किए हैं, जिसमें दोबारा गुजरात की सरकार बनने पर पूरा करने का आश्वासन दिया है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। गुजरात विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। एक ओर जहां पहले चरण की वोटिंग के लिए बहुत कम दिन बाकी हैं, तो वहीं दूसरी ओर सभी राजनीतिक दल मतदाताओं को अपने अपने पाले में करने की पूरी जद्दोजहद के साथ प्रचार करने में लगे हुए हैं। पार्टियां चुनाव में जीत हासिल करने के लिए गुजरात की जनता से लोकलुभावने बातें कर रही हैं। इस बीच गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। दरअसल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गांधीनगर स्थित प्रदेश कार्यालय पर गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसमें बीजेपी ने सत्ता में वापसी होने पर 5 साल में 20 लाख रोजगार देने की बात कही है। इस दौरान उनके साथ गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल, गुजरात प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और बीजेपी के शासन में गुजरात का निरंतर विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ही राज्य का विकास कर सकती है। इस घोषणा पत्र में पार्टी ने लड़कियों के लिए केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा देने का भी वादा किया है। पार्टी की सत्ता बरकरार रहने पर राज्य में समान नागरिक संहिता को लागू करने का भी वादा किया गया है। पार्टी ने यह भी आश्वासन दिया कि आयुष्मान भारत योजना के तहत चिकित्सा बीमा राशि को 5 लाख रुपए से दोगुना करके 10 लाख रुपए कर दिया जाएगा। तो वहीं 2036 में गुजरात में ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने के लिए गुजरात ओलंपिक मिशन शुरू करने का वादा करते हुए बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में इलेक्ट्रिक स्कूटर, छात्राओं को साइकिल सहित मुफ्त उपहार देने का वादा किया है। पार्टी ने वक्फ बोर्ड की संपत्ति और वित्त की जांच करने और उनके पाठ्यक्रम के बारे में मदरसों का सर्वेक्षण करने के लिए एक टास्क फोर्स गठित करने का वादा किया है। पार्टी ने सार्वजनिक और निजी संपत्ति अधिनियम के नुकसान की गुजरात वसूली अधिनियम को लागू करने का भी वादा किया है। तो वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने गुजरात चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जन घोषणा पत्र 2022 जारी किया था, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने भी कई लुभावने वादे किए हैं। गौरतलब है कि गुजरात में 182 सदस्यीय गुजरात विधानसभा के लिए 2 चरणों में 1 और 5 दिसंबर को मतदान होगा। खैर, सभी पार्टियों ने लुभावने वादे तो कर दिए हैं, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि गुजरात में जनता किस पार्टी को जीत दिलवाती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।